मतलब जो गाने जो ये जूनियर आइडल्स हैं जो उन्होंने हमारी फिल्म को या हमें डेडिकेट किए वो तो एक अलग बात है, मगर मुझे इतनी खुशी हुई इन 10 कंटेस्टेंट्स को देखकर, वो कितना बेहतरीन गाते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उनकी आवाज़ सुनकर, उनका जो एक एक कमांड है गीत पे वो देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आज यहाँ पर एक आने का मौका मिला। जब मैं आया तो मैं बच्चों को यही बोल रहा था कि जैसे मिल्खा सिंह भी जैसे जब 10-12 साल के ही थे तो वो भी कितनी मेहनत करते थे, नदी पार करके पढ़ने जाते थे, रेतों के टीले पे भाग के आते थे, और उन्होंने अपने बचपन में मतलब क्या कुछ नहीं देखा। मैं क्या टिप्स दूंगा, मतलब इनके पास मतलब एक लड़के को छोड़कर बाकी के सब मतलब वो उन्होंने गुरु के नीचे सीखा है संगीत, तो बहुत ही मतलब सुलझे हुए सिंगर हैं, बहुत ही मंझे हुए सिंगर हैं। मैं बस जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मतलब आज ये लड़के लड़कियां अभी इस उम्र में ऐसा गा रहे हैं, बड़ा होकर वो शायद हमारे फिल्म इंडस्ट्री के में भी प्लेबैक करेंगे, तो ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ऐसी टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने वाली है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो गाना ही बहुत ख़ास है, और अंग्रेज़ एक जो आजकल म्यूज़िक बन रहा है उससे बिल्कुल अलग एक रोमांटिक गाना है, जो याद दिलाता है मतलब जो एक गोल्डन एरा हम कहते थे फिल्मी गानों का, उसकी याद दिलाता है वो गाना। और श्रेया ने तो वो है ही बहुत अच्छी सिंगर, तो इस गाने को भी उन्होंने बहुत ही एक नई जान दी है। हाँ, करनी पड़ी मतलब जो रिज़ल्ट हमें चाहिए थे एथलीट जैसा दिखने के लिए, उसके लिए मतलब एक डिसिप्लिन की ज़रूरत तो है, एक डाइट की ज़रूरत है, तो ये सब तो था ही, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब दोनों अलग जॉब्स हैं, जब मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके तब ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें एक्ट करता तो मैं कैसे करता, मुझे सिर्फ ये फोकस रहता है कि जो एक्टर काम कर रहा है वो एज एन ऑडियंस मैं देख रहा हूँ। और सिमिलरली जब राकेश के साथ मैंने काम किया तो राकेश वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, विजन जो है उनकी विजन फॉर द फिल्म वॉज हिज, और मैं चाहता था कि मैं जिस तरह उस विजन में हिस्सा बन सकूँ और उसे ट्रांसलेट कर सकूँ स्क्रीन पे, मेरा काम तो वही है। अच्छा, ये जो सवाल है ये पहले दिन से हमारे सर पे मंडरा रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो हमें सौंपा गया है। हमारी बस ये हम तीनों ने ये डिस्कशन पहले ही की थी कि म्यूज़िक के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान में रखते हुए भी किसी भी बच्चे को निराश नहीं करना है। अगर किसी बच्चे को कहना पड़े कि आप इस बार क्वालिफाई नहीं हुए तो ऐसे कहना है कि आप अगली बार का रास्ता देखें, अगली बार आप और तैयार होके आएँ, या तो फिर मतलब जो भी, अगर किसी को कहना है कि आप इस बार क्वालिफाई नहीं हुए तो ऐसे कहना है कि उनकी म्यूज़िक के साथ लगन बढ़ जाए। फ्रेंकली देखिए क्या है कि अब टॉप 10 में आ गए हैं बच्चे, सब कुछ भी हम बोले ना बोले, इसमें एक वोटिंग, हमारे मार्क्स, उनका परफॉर्मेंस, हर दिन यू नो उस पर परीक्षा तो होगी। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बन के है, नहीं रहना दूजा बन के। Thank you. Shukriya. Thank you. Thank you. Thank you all.